अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड। प्यारे दोस्तों, हमने काफ़ी ईद से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें हमारी काफ़ी माँ बहनों की कमेंट आई थी कि औरत की ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है और क्या औरत ईद की नमाज अदा कर सकती है या नहीं। तो प्यारी माँ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आइए दोस्तों, दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी प्यारी माँ बहनों, सबसे पहली बात, ईद और जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना जरूरी है, और जमात किए बिना ना तो ईद की नमाज होती है और ना ही जुमे की नमाज होती है, और औरत का जमात के साथ नमाज पढ़ना मना है। अगर बहुत सारी औरतें एक ही जगह पर इकट्ठी भी है फिर भी वो जमात बनाकर नमाज अदा नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, अब जरा सोचो, जुमे की नमाज और ईद की नमाज दोनों जमात के साथ अदा करने का हुक्म है और औरत को जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म नहीं है, लिहाजा ईद की नमाज औरत पर वाजिब नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसी बात पे हम आपको एक बहुत खूबसूरत हदीस शरीफ की तरफ लेके चलते हैं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत को चाहिए कि वो अपने घर की कोठरी के अंदर नमाज अदा करे। अब यहाँ पर आप कोठरी वर्ड से थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि कोठरी किसको कहते हैं, तो हम आपको एक्सप्लेन कर दें। कोठरी का मतलब होता है रूम, तो बेहतर है जो आपके घर के अंदर रूम है आप उसके अंदर जाकर पर्दे में नमाज को अदा कीजिए। ये बात आपके समझ में आ गई कि ईद और जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना जरूरी है और औरत को जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म नहीं है, यानी कि औरत पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आपको ये वीडियो सर्च करने की या फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरी बात आपके जहन में आ गई। अब आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों को ये डाउट है कि औरत की ईद की नमाज का तरीका क्या है या फिर औरत ईद की नमाज पढ़ सकती है या नहीं, उन तमाम लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि लोग गलत फहमियों में ना रहें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की रोज की दो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूँ सलमान मलिक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।